ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मोहल्ले में भूत आया हुआ है। सच्ची का भूत? अरे नकली होगा तो कोई उसे डरेगा क्यों बेवकूफ। अरे बाबा इस बहस को छोड़ो, बाबा जो कह रहा हूँ वो करो, घर से बाहर नहीं निकलना रात में, और गए रात तक ना कमरे से भी बाहर नहीं आना। अरे ये दादा ये भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। मुझे तो बहुत डर लगता है भूत से। बाबा तुम क्यों भूत से डरती हो, तुम तो भूत की गोद में पली हो। वैसे दादाजी इसका डैडी भी ना किसी ड्रैकुला से कम नहीं लगता। उस भूत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद अगर तुम दोनों ने मेरे पापा की बुराई की ना, तो तुम दोनों बहन भाई मोहल्ले में भूत बनके घूमते रहोगे। अरे नहीं बाबा मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा भला आपको किसने बताया कि इलाके में भूत है? बाबा दो चार घरों से खबर आई है। मौत की? नहीं बाबा भूत की, के भूत है मोहल्ले में बाबा। यानी भूत उनके भी घर नहीं आया? अब बाबा छोड़ो इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ वो करो बाबा, रात में कमरे से बाहर नहीं आना। चलो चलो बाबा कमरे में, उठो उठो बाबा उठो 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 जरी ना, हल हल बाबा हल, चलो बाबा अंदर चलो। लगता है घर पे कोई नहीं है, अपना तो काम बन गया। ये तो खुली खुली दावत नहीं होगी, बाद में कहते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई। मेरा रास्ता तो आसान हो गया। बहुत भूख लगी है, कुछ खा ही लूं? कैसे कंजूस लोग हैं, कुछ पका के भी नहीं रखा। ओए कोई आ रहा है। एक तो अदा ने भी ना सारे घर को ना डराने मूवी का सीन बना के रखा हुआ है। गिलास के तरह वो अंधीवा काउंटर पे रखा है, उठा लेना। हाँ हाँ पता है, ज्यादा बदतमीजी नहीं करो। आवाज तो भूत की। अल्लाह मियां कंधा तोड़ दिया मेरा। जानू तुम यहाँ, वो यहाँ पर है। कौन वो? अरे पापा वही दसाई बता देना, भूत भूत। अरे भूत, मुझे लगता है आपने बिना मेकअप के अपना मुंह देख लिया फ्रिज में। अरे पको मत, मैंने खुद भूत की आवाज सुनी है। पहले वक्तों में भूत देखे जाते थे, अब आवाज सुन रहे हैं। वाह, अरे वाकई वहाँ भूत है। अरे बीबी कोई भूत भूत नहीं होता, जाए अपने कमरे में जाके सोए। ठीक है तो तुम भूत का इंतजार करो, मैं अधा के कमरे में जा रही हूँ, पता चलेगा। अरे आजकल के लोग इतने डरपोक क्यों है, भूत भूत करते रहते हैं। वही ना, यार मुझे भूत से बचा लो, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। आए अरे दर खोलो दा। कौन आ गया? भूत तो नहीं आ गया बच्चों? अरे बाबा भूत इंटरव्यू देने आया, जो दरवाजा बजा कर आएगा अंदर। उसका इरादा तुम्हें कत्ल करने का हो तो? अरे भाई क्या बात कर रही हो, वो भूत है बाबा। एक बात बताओ, ये कहीं तुम्हारे दिल के किसी छोटे से कोने में दबी ख्वाहिश तो नहीं है? चलो इन बातों को पहले देखो कौन है। मैं देखता हूँ बाबा। अरे
अदा साई ये इतनी रात को बलाप नीचे क्या कर रहे हो? अरे बाबा धक्का देकर पूछती है जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो बाबा? पापा खुश की मैं तैराकी सीख रहा हूँ। तीनों तैराकी का भला ये कौन सा टाइम है? आपको पता है कि हमारे घर में कौन आ गया है? कौन आया? अरे बाबा भूत आया, भूत। क्या? पापा मैं बता रही हूँ, मैं तो इस कमरे से अब कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। तुमने अपनी आंखों से देखा था क्या भूत को? अरे नहीं बाबा, सुनी थी। मैं पहले ही कहती थी इसकी तो फिटिंग ही खराब है। अरे मेरा मतलब है कि मैंने उस भूत की आवाज सुनी है। कैसी आवाज थी उसकी? अरे बाबा यहाँ पे पाकिस्तान आइडल का ऑडिशन हो रहा है, कैसी आवाज थी? अदा सही मैं बता रही हूँ, अब कोई भी नहीं बचेगा, हम सब पकड़े जाएंगे। अरे बाबा ये भूत है या पड़ोसी कमाल साहब का बेटा जमाल? हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, सब पकड़े जाएंगे। अरे मैं बता रही हूँ वाकई में वो भूत है। क्या? बेचारी जरीना को देख लो, वो भूत की वजह से बड़ी परेशान है। परेशान तो खैर मैं भी हूं, चलो उसको देख के फिर सो। तो मेरे टिकटॉक के फॉलोवर जरीना, ए जरीना, जरीना, ओ जरीना, लाइट तो बंद करो, आंखों में आ रही है लाइट, बंद बंद। एक तो ये लोग मेरे टिकटॉक के फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ने देंगे, जब पता है घर में भूत है तो यार चुप कर बैठो ना। सारे के सारे मैन हसलिंग बने हुए। बाकी कौन सा टिकटॉक बना रहा था मैं? अरे अदा क्या हो गया है तुमको? तेर तेर के क्या जमीन से बोरी निकालो के? रात के इस टाइम तैराकी? अरे बाबा ये बैल थे, बैल की वजह से नीचे गिर गया हूँ मैं। अल्लाह, मगर जाने तुम इस वक्त भाग कहाँ रहे थे? अरे मैडम मैं तो जरीना बीबी को देखने गया था, भूत देख के परेशान थी, बस यही चेक कर रहा था। अरे लेकिन जरीना तो बाबा हमारे कमरे में थी ना। हाँ बाबा डर तो मुझे बहुत लग रहा है, तभी तो वो वहां था। अरे बाबा जरीना मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कौन था वो बाबा? आपका भूत नोई, मेरे मतलब बहनोई। क्या मतलब? अरे मैडम भूत था। अरे बाबा तुमने भी सुना भूत को? बाबा भूत है, सिंगर थोड़ी जिसको मैं सुनूंगा। अरे बाबा मैंने भूत की आवाज सुनी थी और मैं तो मुकम्मल दर्शन करके आया हूँ। मैं समझता था दुनिया में साहब जी के अलावा किसी की गंदी शक्ल हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं गलत निकला। बाबा बकवास बंद करो, ये बताओ कि भूत का करना क्या है? मेरे को याद आया। क्या? मेरे पास एक ना बाबा है भूत भगाने वाले, वो है बड़े अच्छे। अरे बड़ा फिर जल्दी से कॉल करो ना उसको। हाँ बाबा जानी उसको काल मिला के बुलाओ बाबा, जल्दी से आके उससे कहो कि दुआ शुआ करे, वरना हमारे कुल पड़ने रह जाएंगे बाबा, जल्दी करो। भूत बाबा ये वाला नहीं बाबा, भूत वाला दूसरा था। भूत वाला बाबा? हाँ बाबा ये तो ठीक है, मैं बुला दो। हेलो हेलो भूत वाले बाबा, चलो देखो आ जाएंगे कल शाम तक आ जाएंगे। ठीक। खैर या अल्लाह, खैर या अल्लाह। आई 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 आई। अच्छा वो बाबा जी आप आ गए। अल्लाह हू अल्लाह हू। बाबा जी बस जल्दी से भूत को भगा दें। भूत
तो और नहीं तो क्या, भूत ही है ना, छिपकली मारने के लिए थोड़ी भी आया वो। मगर आपने तो फोन पे कहा था कि जरूरी काम है, जल्दी आओ। अबे भाई, भूत से बढ़ के कौन सा जरूरी काम होगा, भूत है घर में, उसको भगाना है, दुबई का वीजा थोड़ी लगवाना है। वो क्या के हम थोड़ा घबराते हैं। बिल्ला मेरे गुनाहगार करो ने क्या सुन लिया, कह दे के झूठ है। वो क्या के ये बहुत खतरनाक भूत है, हमें अंदर आने नहीं दे रहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हैं भूत। अरे बाबा तो भाग गया, अब भूत भूत कैसे जाएगा यहाँ से। बाबा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, ये बाबा गुले ने गेट पर गया या स्टेशन गया है? गया। Thank God, भूत हमारे घर से तो गया, मैं तो जा रही सोने। अरे मैडम, भूत नहीं गया, वो तो समर वेकेशन मनाने यही रुका हुआ है। तो फिर भला कहाँ गया? बाबा गया। बाबा कह रहा है भूत बहुत खतरनाक है, और भूतों ने जो धक्के दिए, ऐसे धक्के दिए, बाबा डर के मारे भाग गया। बाबा अब क्या होगा, है तो खतरनाक भूत बाबा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अरे बाबा, एक मिनट, मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं सोएगा जब तक इस भूत का कुछ नहीं हो जाता है। वेरी नाइस, ठीक है। अरे बाबा, आवाज सुनी। हाँ बाबा, मैंने भी सुनी, ये आवाज तो किचन से आ रही है। अरे बाबा, ये भूत है, ये बावर्ची, जब देखो बावर्ची खाने में ही होता है। यहाँ बैठे बैठे बातें करते रहोगे, कोई जाके देखेगा? हम सब है ना, सबसे नडर बहादुर दलेर एक ही शख्स है, और वो है बच्चू भाई। बाबा मैं अदा याद नहीं है, जब आपके पीछे कुत्ते पड़ते थे तो आप डर से कैसे भाग जाते थे? जाओ। पापा वो कुत्ते थे, ये भूत है। अरे बच्चों छोड़ो इन बातों को, ये लो जाओ यहाँ से, ये लो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जा रहा बाबा, नहीं मैं नहीं जा रहा। ये मत करो बच्चों भाई, मत करो। अता जाओ ना, बोला उठो। अच्छा बाबा सुनो जानी, बाबा मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरी गाँव का ख्याल रखना, ऐसे नसीब हमारे कहाँ। अच्छा बच्चू भाई, देख के जाना, भूत ना डर जा। अच्छा बाबा जाओ, अभी पीछे आ जाना, अभी पिटाई करो बाबा, देख के भूत ना डर जा। मैं नहीं जाऊँ। अरे जाओ बच्चू, बाबा देख के बाबा, क्रिकेट नहीं खेलनी, भूत मारना। अरे बाबा, ये मैं किधर आ गया हूँ? अदि, तू इधर क्या कर रही है? मैं तुमको कवर करने आई थी। अरे बाबा, मैं सोफा हूँ जो मुझे कवर देने आई थी। अरे वो जो पुलिस वाले एक दूसरे को करते हैं ना, वो वाला कवर देने आई थी। अरे बाबा जी, माफ करना बाबा, मैंने तेरे पे गुस्सा किया, चोट लगी। अच्छा चलो, भला अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे को बहुत जोर से लगा है। मैडम हो रहा हूँ, ये आवाज आपके कमरे से आ रही है। हमारे? हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगा इससे पहले भी जो आवाज आई थी ना, वो भी आपके कमरे से आई थी। चल मेरी बहन, चल खामोश। पापा भूत है। नहीं, पेट मार दिया। अरे बाबा क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? आपके कमरे से आवाज आ रही है, का मतलब? अरे बाबा, कमरे की तरफ क्यों इशारे कर रहा है बाबा, उसमें क्या है? मुझे लगता है कि आपके कमरे में भूत है। हमारे कमरे में भूत है बाबा।
टूट जाएगा। आ जाओ बाबा, चले चले। पापा नहीं डर नहीं मार रहा है। मैं तो पढ़ दिया आधा ने। तुम तो हटो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, तुम लोग इतना डरते हैं क्यों? वो मुझे लगता है इंसानों के बाद अब भूतों में भी बारिश शुरू हो गया। मुझे लगता है कि भूत ना पर्दे के पीछे है। ये भूत क्या हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है? अरे बाबा, सारी रात तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना। अरे बाबा, किसी ना किसी को तो पर्दे के पीछे देखना पड़ेगा ना। पर्दे के पीछे देखेगा कौन? मैंने एक फिल्म में देखा था कि हीरो जैसे पर्दा हटाती है ना, तो भूत उसको जान से मार देता। जानी, मेरे तो सबसे वफादार टॉकर तुम हो ना, तुम देखो ना जाके। रेजिग्नेशन में यही दे दूं या गांव जाके दूं? तुम रिजाइन करोगे? हाउ डेयर यू। डेर गया तेल लेने, जिंदगी बचेगी तो नौकरी करूंगा ना। अरे बाबा, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे भूत जो है ना कुर्बानी मांगते, वो क्या कहते हैं, बलि बलि बाबा। हाँ, मैंने भी एक फिल्म में देखा था, ऐसा ही होता है। अरे भी, फिल्म थोड़ी चल रही, ये तो हकीकत है। जानी तुम दे दो ना कुर्बानी। हाँ बाबा, दे दो ना जानी कुर्बानी। भाईजान, चूरन थोड़ी सी जेब से निकाल के दे दो, कुर्बानी है। हाँ ना बाबा, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अगर कुर्बानी देनी ही है तो कैश की दो, महंगे मोबाइलों की दो, कीमती जेवरात की दो। भूत वाले भाई, इतना कलेक्शन काफी है? अब तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। सबकी आंखें बंद है ना? अजीब लोग हैं यार, कैसे? अबे अंधा है क्या, देख के नहीं जा सकता? अरे साहब, ये तो वही चोर है जो भूत बनकर सबको डरा के लूट लेता है। अरे बाबा, इसका मतलब है ये भूत नहीं है, ये चोर है। बेग साहब, फौरन गिरफ्तार कर ले इसे, ये हमारे घर से सामान चुरा के भाग रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पहला मौका होगा कि पुलिस मौके वारदात में वक्त पे पहुंची है। वो दरअसल साहब नींद में चलते हुए यहाँ निकल आए, और मैं इनके प्रोटोकॉल की वजह से इनके पीछे चल रहा था, और सोते हुए आपके घर में आ गए और इस चोर से टकरा गए। अरे बाबा, इसका मतलब है ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक था। बेग साहब, रात को भी आप ड्यूटी के ड्रेस में? हाँ बाबा, रात को भी ड्यूटी के ड्रेस में। वो क्या है कि आज मेरी नाइट ड्यूटी थी। क्या? अच्छा वल्दार, मैं आगे चलता हूँ, पीछे तुम इस चोर को लेकर थाने आओ, और हाँ, थाना आ जाए तो मुझे उठा देना। यानी फिर से? जी, क्योंकि मैं स्लीप कॉन्शियस हूँ बहुत ज्यादा। ले जाओ बाबा, ले जाओ। लेकिन बेग साहब, हमारी चीजों का क्या होगा? अब सामान का क्या होगा? बस कुछ ऐसा करो कि सब कुछ ना मेरे नाम हो जाए। मैं मासूम सा आदमी, भला क्या कर सकता हूँ? अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना वकील, उससे बात करो, कोई हल निकालो। कोई मेहमान ना आए आज, और अगर कोई आ भी जाए ना तो उसको बाहर निकाल देना। बाहर निकाल दूँ? हाँ बाबा, बाहर निकाल दो। चलो चलो, उठो 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 उठो, चलो उठो निकले। अरे बाबा, क्या बोल रहा है वो? बच्चों को पता चला ना दो। बच्चों नहीं तो कहा है, भगा दूं मैं आपको। भगा दो उनको? क्या आपने खाना भी सही तरीके से नहीं खाया बाबा? बस जनाब, चार चपातियाँ, दो चावल की प्लेटें, चार कीनू, एक दर्जन केले और चार प्याले खीर के खाए बस।
तेरे लिए ना एक जबरदस्त सा सीन लगता। देख वसीयत का सीन है, स्टैम्प पेपर याद से लाना। बच्चू एक गिलास पानी फटाफट पकड़ लो। बच्चू कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बाबा बहुत बदतमीज हो गया है, मुझे नौकर समझा हुआ है इसमें। वो अपने बच्चू साहब उनका जो वफादार ईमानदार दयानतदार जो नौकर है जानी उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दौलत को आग लगा दूंगा लेकिन तेरे को कुछ भी नहीं। जानी क्या तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे? घुमा के नहीं जमा करा के लाऊंगा किसी को। मैं भला कहती नहीं खूबसूरत हूँ? मैं उसी शोरूम की छत से ना छलांग लगा के खुद कुछ ही कर लूंगा। हाँ जरीना ना बहुत तेज है बच्चू, वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगी। अरे बाबा तो क्या हुआ, मेरी बहन है, उन्हें दोस्त के नाम उसके नाम हो मेरे नाम हो एक की बात। तुम कुछ भी नहीं समझते, बस मैं जरीना के नाम कुछ भी नहीं होने दूंगी। अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।